क्या ये फोन है, कूड़ा है कूड़ा। क्या मतलब कुछ भी मजाक चल रहा है क्या? मतलब फोन के नाम पे कूड़ा दे रहे, कुछ भी मतलब, कभी मत खरीदना गाइस, कूड़ा फोन है कूड़ा, पछताओगे लेने के बाद, पैसा बर्बाद। तो दोस्तों ये सैमसंग A14 5G फोन है और ये 2023 के स्टार्टिंग में लॉन्च हो चुका है और तुम में से बहुत सारे लोग इस फोन को यूज भी कर रहे होंगे और शायद पछता भी रहे होंगे। और एक बात, अगर तुम सैमसंग लवर हो या तुम्हारे इमोशन सैमसंग से जुड़े हुए हैं या तुम सैमसंग से रिलेटेड कुछ भी बुरा नहीं सुन सकते तो प्लीज यार ये वीडियो स्किप कर देना, ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी बोल दूंगा इस वीडियो में जो शायद तुम्हें पसंद ना आए, शायद तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट कर जाए वो चीज। सो प्लीज यार ये वीडियो स्किप कर देना अगर तुम्हें सैमसंग से रिलेटेड कुछ भी बुरा सुनने की आदत नहीं है। और अभी तक तुम लोगों ने अगर टेक वेंचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है उसे दबाओ और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा देना ताकि आगे मैं जो भी वीडियो डालूं इन फ्यूचर सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आए। सो लेट्स अनबॉक्सिंग। You look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine. तो चलो फ्रेंड्स मैं इस फोन की अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। वैसे मेरा मन तो नहीं है इस फोन की अनबॉक्सिंग करने का बट फिर भी कर देता हूँ। और एक कहावत है कि तुम जिससे प्यार करते हो उसकी तुम्हें बुरी से बुरी चीज अच्छी लगती है, सेम चीज सैमसंग पे अप्लाई होती है। सैमसंग को लगता है मैं जो भी बनाऊंगा लोग खरीदेंगे, लोग बेवकूफ बनते रहेंगे, तो ये चीज है। तो चलो इस फोन की अनबॉक्सिंग कर देता हूं मैं। तो सबसे पहले हमारे पास है सिम इजेक्टर टूल, इसको साइड में रखता हूं। उसके बाद ये फोन, इसको रखते हैं साइड में। उसके बाद अरे और कुछ नहीं है, बस खत्म। इसमें क्या है, इसमें कुछ होगा, इसमें देखते हैं, इसमें कुछ होगा, कुछ तो उम्मीद है इसमें कुछ हो सकता है। अरे अरे खत्म, कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है, बस इतना ही। ये तो शुरू होते ही पहले खत्म हो गया। इस बॉक्स में ये दो चीजें निकली है जो काम की है, सैमसंग फोन और डेटा केबल एडाप्टर। बाहर से खरीदो ना, सैमसंग है, बाहर से खरीदो। और ये निकल गया हमारा फोन, पीछे से मैट फिनिशिंग में है, स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे इस पे। एक हद के बाद, कुछ महीनों के बाद यूज करने के बाद इस फोन पे स्क्रैचेस आने लगेंगे, बट फिलहाल मैट है, ग्लास नहीं है, मैट है, स्क्रैचेस नहीं आएंगे। और बैक में इसके प्लास्टिक है। फोन थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको हाथों में, अगर तुम्हारे हाथ मेरी तरह छोटे हैं तो फोन थोड़ा सा बड़ा लगेगा हाथों में, थोड़ा सा बड़ा है फोन। बाकी फोन पे आते हैं, और बहुत कुछ है इस फोन के बारे में बताने के लिए। दोस्तों इस फोन में लाइट वेट वाला कोई सीन नहीं है, इस फोन के भाव और इसका भार दोनों बड़ा हुआ है। चलो इसका वेट चेक कर लेते हैं, इसका भार कितना है। दोस्तों 201 ग्राम का ये फोन है, तो 201 नहीं, इसको 1 किलो का कर देना चाहिए था फोन को, 1 किलो का फोन करते फोन नहीं, एक्चुअली इसमें ना ईंट भरते थे, इस डब्बे में ईंट भरते थे और ईंट में सिम ट्रे लगा देते और ईंट में डिस्प्ले लगा देते, है ना। हम ईंट को लेके यूज करते हैं, हम ईंट पकड़ के यूज करते हैं। 201 ग्राम का फोन नहीं, इसको 1 किलो का फोन बनाना चाहिए था। वैसे ही समर का सीजन चल रहा है, लोग अक्सर लोअर में बाहर निकलते हैं, मैं इसको लोअर में लेके निकलूंगा, लोअर की जेब में डालूंगा और आधे रास्ते तक लोअर को पकड़ के चलूंगा। लोअर तो मेरा नीचे खिसकेगा ना, 201 ग्राम का फोन मैंने लोअर की जेब में डाल रखा है, मेरा लोअर तो नीचे खिसकेगा। 201 नहीं, इसको 1 किलो का करना चाहिए था फोन। मैं दरख्वास्त करूंगा सैमसंग से कि अगली बार फोन बनाए 201 ग्राम का नहीं, 1 किलो का फोन बनाए। सबसे गंदा इस फोन का डिस्प्ले है, 7000 में 8000 में इससे बढ़िया डिस्प्ले देती है कंपनियां, 7000 में 8000 में इससे बढ़िया डिस्प्ले आ रही है फोन में, इससे बढ़िया डिस्प्ले स्क्रीन साइज आ रहा है। ये चौड़े, ये हाथ में तुम्हारे फीलिंग आए, बहुत ही पुराना मॉडल लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि मैं 2017-2015 का फोन यूज कर रहा हूँ, ऐसा फील आएगा इस फोन को यूज करने के बाद। मोटा पत्थर ऐसा फोन फील होगा आपके हाथों में,
तो क्या बोलूं मैं। सो गाइस दिस इज 2023 एंड सैमसंग गिविंग अस दीज टाइप्स ऑफ डिस्प्ले लुक। सो वाटर ड्रॉप होने की वजह से फोन का स्क्रीन साइज वैसे ही कम हो जाता है। एंड देन द चिन, लुक एट द चिन गाइस, लुक एट द चिन। ये चिन इतनी बड़ी होने की वजह से, बेजल्स इतने ज़्यादा होने की वजह से फ़ोन हाथों में बहुत ही भद्दा लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप 2015, 2017, 2018 वाला फ़ोन यूज़ कर रहे हो।